जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जी हां, अगर बात की जाए रियासत उत्तर प्रदेश के जिला संबल के सिरसी नगर पंचायत की, तो यहां पर चुनाव की सरगर्मियां चेयरमैन बनने के बाद क्या रहेगी? ये मेरी भी प्राथमिकता है और जनता भी ये चाहती है कि सबसे पहले कौशल भैया हॉस्पिटल चाहिए। और हमारी मांग सबसे पहले, अभी मैंने डीएम साहब को मैंने बताया था कि लेटर लिखा था हमने अपने सोशल इमाम हुसैन सोशल फाउंडेशन से, एक यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम सिर्फ हॉस्पिटल देने का है और इंशाल्लाह जनता के दुआएं रहेंगी तो हम इलेक्शन से पहले हॉस्पिटल बनाने का इरादा है हमारा, नींव रख देंगे इंशाल्लाह। तो ये खिदमत आपके चुनाव के बाद भी लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़ जाएंगे, घट नहीं। अगर नगर पंचायत सदस्य की बात की जाए तो आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, या आजाद लड़ेंगे? देखिए अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी कोई कुछ कह नहीं सकते। जैसे भी समाज जितना जनता कहेगी, हमारे वर्कर्स हैं कार्यकर्ता हैं, जो भी फैसला लेंगे तो उसके बाद बताएंगे। कई प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से भी दावेदारी, कुछ लोगों की, कुछ किस बीजेपी से है, कुछ आम आदमी पार्टी से, कई अलग बीएसपी से लोग अपने चेयरमैन हो रहे हैं। क्या मानते हैं जितने भी नगर पंचायत सदस्य के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, आप अपना मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? देखिए चुनाव में मैं पहली बार आ रहा हूँ, चुनाव में मैं पहली बार हूँ, मैं संदीप एक बोर्ड से शुरू स्टार्ट करूंगा और आप तो जानते हैं कि काम का कोई मुकाबला नहीं होता। इंशाल्लाह जो भी होगा, अब चुनाव मैदान में हैं सब लोग, अपने अपने दावे भरते हैं कि मैं जीता हूँ मैं जीता हूँ, जो भी जनता करेगी फैसला। क्या मानते हैं कौन कौन आपको मात दे सकता है, या आप किससे इलेक्शन जीत सकते हैं, किसकी बराबरी पर जा सकते हैं, किसी एक कैंडिडेट को क्या आपने कभी सोचा कि मेरा मुकाबला इस चेयरमैन इनसे रहेगा? नहीं, अभी कोई कोई मुकाबला नहीं है। जो भी काम करेगा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ जनता मुझे ना, तो दूसरा काम करेगा वो अपना काम लेके जाएगा, जनता उसे वोट देगी। अब ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा किससे मुकाबला होगा, मुझे तो लगता नहीं किसी से मुकाबला काम का होता होगा। जिस तरह से क्या माना जाए कि हमने काफ़ी टाइम से देखा है यहाँ की बिजली की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है, अपने आपने समाज सेवा में, अपने खिदमत खल्क में क्या उस बिजली को समस्या को किस तरह से हल करने की कोशिश करी है? लोग आपके पास लगातार आए होंगे, क्या उनकी डिमांड रही है कि इसकी ये समस्या आपने कहाँ तक हल करने की कोशिश की है? देखिए लाइट के लिए मैंने हर वक्त आवाज़ उठाई, एक्सचेंज साहब से बात करेंगे तो उनके पास भी मेरे लेटर गए हुए हैं इमाम हुसैन सोशल फाउंडेशन की तरफ से, कि भी यहाँ पर झड़झड़ आ रही है, लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी है। और उन्होंने उस पर गौर भी किया था, यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी शासन से आया और यहाँ पर तार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तार जो है ना बहुत ज़्यादा खराब है, आए दिन इस यहाँ पर फॉल्ट होते रहते हैं। कोई भी नेता कोई आवाज़ नहीं उठाता। अब उनसे जाके बोलिए एसडीएम साहब से बात करिए तो सबसे पहले नाम लेंगे, कौशल भैया ने इसके लिए आवाज़ उठाई और हमने काम भी किया, बहुत सी जगह तार हमने चेंज कराए थे थोड़े थोड़े से, और जो जम्पर टूट गए हैं जगह जगह गली गली में जम्पर खराब हैं। और आने वाले सबसे पहले हॉस्पिटल, उसके बाद लाइट, दो चीज़ें, नाले नालियाँ तो हैं, सब सफाई कराए देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत में लाइट की बहुत ज़्यादा है। लगातार देखा जा रहा है कि आप लोगों से संपर्क बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, लगातार उनके प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए सब जगह हमें तो प्यार मिल रहा है, हम लोगों सभी सभी धर्म के, हर धर्म के लोगों के लिए हम काम करते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं हमें प्यार मिलता है, मोहब्बतें मिलती हैं, उनकी इज्जत करते हैं हम लोगों की, और इंशाल्लाह इसका आने वाले टाइम में उसका वो जवाब देने को तैयार बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपने मन बनाया कि पार्टी से लड़ेंगे ही या नहीं लड़ेंगे, मैंने कहा था मौका मिला था लड़ेंगे? नहीं इंशाल्लाह जो भी जनता कहेंगे वैसे काम करेंगे, अभी तो टाइम है देखें। और अगर इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो रोडवेज की अगर बात की जाए तो एक रोडवेज, यहाँ पे एक बड़ा रोडवेज हुआ करता था लेकिन आज वो नामो निशान नहीं है। अगर इसके बाद रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो एक बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, आज रेलवे स्टेशन नहीं है। क्या क्या माना जाए, क्या रीज़न रहा अब तक कि बल्कि सिरसी को तरक्की की तरफ आगे जाना चाहिए था, विकास की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन पीछे हम आ गए, उसकी मेन वजह क्या रही आखिरकार? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं चाहा, यहाँ के नेताओं ने नहीं चाहा, यहाँ के चेयरमैन ने नहीं चाहा, आखिरकार वो किसकी कमी रही या प्रशासन ने नहीं चाहा? तो ऐसे क्या हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे आपका एक इंटरव्यू सिरसी की बस्ती के साथ साथ बल्कि पूरा मुल्क आपका इंटरव्यू देख रहा है, तो आखिरकार जहाँ सरकार की बात की जाए वो दावे करती है कि हम चाहे गाँव हो या कस्बे हो या सड़क कोई भी जिला हो, हम उसको तरक्की की ओर ले जाते हैं, सिरसी क्यों पीछे आया आखिरकार? देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि की कमी रही है,
10 साल से चेयरमैन वसीम खान थे, उससे पहले कोई और थे, ठीक है। किसी चेयरमैन ने यहाँ पर कोई आवाज किसी चीज के लिए नहीं उठाई। उन्हें ये नहीं मालूम था कि यहाँ हॉस्पिटल है नहीं है, रोडवेज का क्या हाल है, है? यहाँ पर गंदगी इतनी रहती थी कि हाल देखिए सिटी के अंदर क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले आवाज रोडवेज की उठाई थी, क्योंकि रोडवेज यहाँ पर संभल 10 किलोमीटर है, वहां से बस चलती 35 किलोमीटर पर मुरादाबाद है, स्टॉप होता है, जहां पर स्टॉप होता है वहां पर इतना बुरा हाल है रोडवेज का, ठीक है। रोडवेज हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करा सकते, तो वहां पर बैठने का इंतजाम तो कर सकते हैं। वहां पर लोगों की गाड़ी चली हुई, गाड़ी खड़ी हुई वहां पर, ट्रांसपोर्ट चल रही है, रिश्तेदार की चल रही है चेयरमैन साहब के। तो मैंने पहले इंटरव्यू दिया था किसी और को कि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर रोडवेज में चल रही है, तो यहाँ पर यात्री शेड भी नहीं है कोई यहाँ पर। तो चेयरमैन साहब को कम से कम इतना तो रोडवेज तो करा सकते थे यहाँ से, ठीक है। रेलवे लाइन की राइड हम लोग आवाज उठा सकते हैं, बड़े बड़े चंद यहाँ पर MLA MP रहे, लोगों ने आवाज उठाई, सांसद में भी विधानसभा में कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि रेलवे इसलिए नहीं है 10 किलोमीटर पर, फिर संभल आ जाता है, वहाँ रेलवे लाइन रुकी है, स्टॉप है, आगे रेलवे है नहीं कोटे। अगला सवाल ये मेरा ये है कि वादे हैं, वादों का क्या, वादे लोग भूल जाते हैं, ये कहावत है। आप नेता हैं, क्या माना जाए नेता अक्सर वादे करते हैं, चुनाव जीतते हैं और जनता के मुद्दे भूल जाते हैं, इस कहावत पे आप खरा उतरेंगे या फिर झूठ साबित कर दिखाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं भाई साहब कि सबसे पहले हमने तो कोई वादा अभी करा नहीं है जनता के, जो चेयरमैन के बाद होने चाहिए थे काम, वो चेयरमैन से पहले हमने काम करने की कोशिश की है। आप जनता में जाइए, जनता में बताएंगे कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता, तो ये तो आपको जनता बताएगी कौन काम करता है। जो भी हमने किया है वो हमने सच करा है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये जनता को उम्मीद है हमसे, और इंशाल्लाह हम इस उनकी उम्मीदों को खरा उतरेंगे, और जब जीतेंगे उसके बाद जो वादे करेंगे हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, आपकी कुछ खास अपील जनता के लिए? देखिए जनता से मैं यही अपील करूंगा, आप काम का और सच का साथ दें, और इंशाल्लाह विकास का मेरा वादा है। जो चीजें उन लोगों के हैं जो लोग मुझसे मांगना चाहते हैं कि सबसे पहले हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो ही हॉस्पिटल होगा, सबसे पहले हॉस्पिटल ही होगा। मैं मांग करूंगा कि अगर मुझसे अच्छा कोई और काम कर सकता है तो उसे वोट कर दें। नलदीन नगर पंचायत सिरसी से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कौशल अब्बास साहब। अगर खिदमत खल्क की बात की जाए तो वो अब से नहीं बल्कि पहले से ही अपने काम को अंजाम देते रहे हैं, जैसे कि एम्बुलेंस है और तमाम खिदमत खल्क कर रहे हैं। सवाल होता है कि आखिर खिदमत खल्क राजनीति फायदा लेने के लिए क्या जा रहा है, या फिर चुनाव के बाद भी ये खिदमत खल्क जारी रहेगी?